हर जीव में मुझे प्रभु दर्शन होते हैं। आज का दिन ऐसा है, ऐसी हस्ती है, ऐसी हस्ती की स्थापना आपके हृदय में करना। और दिल से आपने अगर ये स्थापना की है तो उसके बाद अंदर से जो जवाब आएंगे आपको उसे निभाना है, उसे समर्पण कहते हैं। और नो क्वेश्चन नो आंसर उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। लेकिन फर्स्ट डिसीजन इज टू एस्टैब्लिश दैट सिमंदर स्वामी विद इन यू। अगर आपने ये काम कर लिया तो ये जीवन से लेकर जब तक आप स्वयं अरिहंत नहीं बनते तब तक कहीं भी कोई भी आपको कुछ भी तकलीफ नहीं आने वाली, और आएगी तो अपने आप वो सुलझ जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट इंस्टेंट कॉन्स्टेंट कृपा बहती है। बस यू शुड बी द रिसीवर ऑफ दैट कृपा कंटिन्यूअसली। एक बार स्थापित करने के बाद सतत कंटिन्यूअसली हमें ऐसी हस्ती की कृपा लेनी है। कैन यू डू दिस? अगर हम ऐसा करते हैं तो अपना काम निश्चित होगा। ऐसा करते हैं तो हमारा काम निश्चित होगा। तो ये अक्षय तृतीया का दिन ऐसा है जो आज के युग में बहुत भाविक दिन है। और हमारी भारत की परंपराओं के अंदर अनेक देश प्रदेश के लोग सब इस अवसर को अलग अलग नाम देते हैं। पूरे भारत के अंदर सब प्रदेशों के अंदर इसको मनाया जाता है अपनी अपने अलग अलग नामों से। लेकिन उसका कॉमन भाव ये है, हम बैठे हैं सिमंदर स्वामी की निश्रा में, और सिमंदर स्वामी की निश्रा एक ऐसी अद्भुत अखंड निश्रा है, जो उसको पकड़ लेता है उनको भाव से पकड़ लेता है और उस 1800 करोड़ में जुड़ जाता है। हम यहां बैठ के भी उनके भक्त बन सकते हैं, हम यहां बैठ के भी ऐसे सिमंदर स्वामी के भक्त बन सकते हैं, हमारे हाथ में है। और उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह है, एक बार निर्णय लेने के बाद पीछे नहीं आना है, हटना नहीं, डोंट कम बैक फ्रॉम योर डिसीजन। डिटर्मिनेशन, एनी डिसीजन टेकन शुड बी अ डिटरमाइंड डिसीजन। सेकेंड थिंग, वहां पर मात्र समर्पण भाव, यस सर नथिंग एल्स, यस सर, वहां पर नो क्वेश्चन नो आंसर। और आत्मसमर्पण यानी बोलना भी बंद। जैसे हम बोलना बंद करेंगे तो कितनी कृपा बढ़ जाएगी, जितना हम कम बोलेंगे उतनी कृपा ज्यादा मिलेगी। ये एक सिंपल सीधा और आज के युग के अंदर इसके जैसा सरल मार्ग कोई नहीं है। हम चर्चा कर करके अपनी मेथी मारते हैं, जितनी चर्चा बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब किसका खेल है? बुद्धि का खेल है, तर्क का खेल है, शब्दों का खेल है। जहां बुद्धि का खेल है तर्क का खेल है वहां शब्दों का खेल है। और आप शब्द पकड़ेंगे और आप खुद ही परेशान होंगे। बस ये खेल आप आपके घर में करोगे, आपके व्यवहार में करोगे, आपके समाज में करोगे, आपके जीवन में करोगे, और अपनी ये सब जगह बर्बाद 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 खंडित होते जाएंगे। हम अपने आप को खंडित करेंगे। अब समझ में आ रहा है? अक्षय खंडित करना है कि अक्षय रहना है? अक्षय रहने का सिंपल उपाय और इलाज क्या है? फर्स्ट डिटर्मिनेशन,
दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय कि मैं सिमंदर स्वामी की कृपा में हूं, जो मेरे साथ हो रहा है, जो मुझे लोग मिले हैं, जो मुझे वस्तुएं मिली हैं, जो मुझे परिस्थिति मिली है वो परफेक्ट है, और मैं मुझे जो कुछ भी मिला है उसमें हे सिमंदर स्वामी मैं इसके अंदर हमेशा आनंदित रहूं, खुश रहूं, स्माइलिंग रहूं, और ये मेरा स्माइल अखंड रहे। क्या अखंड रहे? स्माइल अखंड रहे। व्हाई स्माइल? क्योंकि जो आदमी अंदर से खुश होता है उसकी शकल पे ऑटोमेटिक स्माइल होती है। स्माइल करना नहीं पड़ता है, हमारे अंदर के भाव, अपना चेहरा हमेशा मिरर आईना है, हमारे दिल में क्या चलता है वो हमारे आईने पे तुरंत दिखता है। और इसलिए आज ये हमें तय करना है, निर्णय लेना है कि ये हमारी स्माइल अखंड रहे और हमारी स्माइल देखकर सब स्माइल करे। हमारी स्माइल देखकर जो भी हमारे संपर्क में आए सब स्माइल करे। गए साल हमने इसी दिन ये तप का आरंभ किया था, बराबर है? केम छो स्माइल छे के नहीं बदा है त्यारे हम एक कई ना मोड़ा पर स्माइल नहीं। पहला तो बोलू ट्रेन नो मार खाई ना आया से, पछी आ दादरा जोई ने मार खातो से। हां हाय तो ई तो कौन ट्रेन नो मार खाई ना आया से, पछी के हा एटलो तो ओली धक्का मुकी ओची हती पाछा अहीं आवीने बीजी गप्पो मुकी। आया लिफ्ट ए नत राखता साहेब, अरे तो काम वाली आवे के आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है क्या? अरे वो पूछे तो मज में आवे, अरे काम वाली के लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट नहीं है, वॉशिंग मशीन है क्या? तो मैं कपड़े धोऊंगी, डिश वॉशिंग मशीन है तो मैं बर्तन करना, तो तू काय करणार? मी मात्र बघणार कसं चालते मशीन, देखरेख करणार मी, बघायला लागते ना पाणी टाकायचा, किती साबून टाकायचा, किती पाणी, ते पण बघायला लागते। हा नाहीतर मी येणार ते पाणी नसेल मला परत यायला लागेल, एवढं टाइम नाही माझ्याकडे। रतन सिपाही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाई लागे सो हम इस युग में जी रहे हैं, यहां सवाल जवाब भगवान के मार्ग के अंदर जो भी है, जो भी मिल रहा है उसे स्माइल से स्वीकारना। खाली स्वीकारना नहीं, कैसे स्वीकारना? स्माइल से स्वीकारना। जो मिला है दैट इज वंडरफुल, जो भी मिला है दैट इज वंडरफुल। सो शैल वी मेक इट वंडरफुल? It is a wonderful day. 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 आज का दिन अद्भुत है।
खाली इतना निर्णय लेंगे ना, उसके बाद में हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो वंडरफुल ही होगा। स्टार्ट विजुअलाइजिंग एंड बिलीविंग दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग वंडरफुल, एवरीथिंग। जो भी हमारे जीवन में कई बार क्या होता है, किसी का शकल देख लिया ना, क्या आनु मोडू जो आज नो दिवस गयो बर्बाद। हवे एनु मोडू देखाई ने એટલે તરત જો આપણો વિચાર બોલો પેલી જૂની પુરાની આદત પ્રમાણે શું થાય, આજનો દિવસ હા તો તરત શું કરવાનું, ઇટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ થિંગ, કમ વોટ મે આઈ વિલ એન્જોય, કમ વોટ મે આઈ વિલ સ્માઇલ, આઈ વિલ સ્માઇલ, આઈ વિલ સ્માઇલ, યસ આઈ વિલ સ્માઇલ, ધીસ ઇઝ અક્ષય તૃતીય। Because we are searching smile which is non-existent. We all are searching smile. Bolo, aapko hasta hua chehra achha lagta hai ki nahi dusre ka? Kisko dusre ka hasta hua chehra achha nahi lagta hai? Haan, hun daat kaado jo, jema hoi tema daat kaado jo. Haan, ghade ne taklif thai, bola, hama bola hasta hoi ne. Bekhe, haan, daat su kaado jo. Haan, pehla na jema na na shabd ho jo. દાંત કાઢો છો, આમાં શું હસવા જેવું હતું, ભાષા કરો છો? એટલે આપણે હસીએ એમાં તકલીફ થાય લોકો, હા। શરૂઆતમાં 2012 માં પહેલી વાર અરિયન ચેનલ ટીવી ઉપર મારું આવવાનું શરૂ થયું, તો પહેલાની જેટલી વિડીયોઝ હતી તો એમાં દરેક વિડીયોમાં બે બે ત્રણ ત્રણ મિનિટ જોર જોર થી હસવાનું આવે, એટલે અમારા ખુશાલભાઈ હરિયા મને કે સાહેબ કેવું હસો છો તમે, હે કેવું હસો છો, કેવું લાગે છે કે આમ ગંભીર, તમે જો આ રિયન ચેનલ ઉપર આટલા બધા સંત મહાત્મા આવે છે, કોઈ હસે જ, કોઈ હસે જ કેવી તો બરાડા પાડીને જોર જોર થી આમ ગુસ્સો કરતા હોય ને, તમે હસો છો બધું। મેં કીધું 5 વર્ષ પછી જોજો બધા શું બોલે છે, હવે જોજો હરિયન ચેનલ દરેક જણ, હા જોજ કેટલા જણ હરિયન ચેનલ જોશ, 5 વર્ષની અંદર આ બદલાવ દેખાય છે કે નહીં, હા આઈ લવ યુ શબ્દ, હા શરૂઆતમાં જયારે શું આ પંકજ ભાઈ હું ગોટાળા કરે છે ભાઈ, રજનીશ તો નથી ને, અરે ભાઈ તમે જે પરંપરામાં આવ્યા છો, જો પરંપરા સે હમ બિલોંગ કરતે હૈ, ઉસ પરમાત્મા કો હમ નહીં પહેચાને, પરમાત્મા હમે યે કહેતે પરમાત્મા આપકે પરમાત્મા કભી રોતે હુએ દિખાઈ દેતે હૈ ક્યા, નહીં ના, વો હમેશા સ્માઇલ કરતે હૈ, તો હમે ક્યા કરના હૈ, અરે સિમ્પલ હૈ, પરમાત્મા ને કભી હમ પર ગુસ્સા કિયા નહીં કિયા ના, सबके साथ प्रेम किया, आप कैसे भी हो नालायक हो, प्रेम ही करते हैं ना परमात्मा, हाँ हम अपने आप को जैन कहते हैं और हमारे परमात्मा पे हमें बहुत गर्व है, वो हमारे परमात्मा हमेशा स्माइल करते हैं, सबके साथ मैत्री रखते हैं, सबके साथ केयर एंड शेयर करते हैं, सबके साथ मैत्री का मार्ग बताते हैं, मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैयामा वया करे, ऐसा सूचन कर रहा किया करते हैं बार बार, ऐसे मार्ग में हम जीते हैं, ऐसे परमात्मा के मार्ग में जीते हैं, और हमारे सबके थोबड़े कैसे हैं, दिवेल पीधेलू मोड़ू करिया तू पीधू कड़ू करिया तू पीने के वो हम मोड़ू था मोड़ू राइट कोई 24 कलाक, अरे भाई जरा हंस तो करो, हंसवा जेवू छे शू साहेब, તમારે ઘી કેળા લાગે છે અમાર નથી, હા તો કે ઘી આવે છે ક્યાંથી આવે, ને કેળા કેરેલા થી આવે, જેમ સાલી બદર ને ઉપર થી પેટીઓ ટપકે મારે ટપકે છે ભાઈ, હૃદયમાં છે આ અક્ષય, અક્ષય તૃતીયા એટલે કે
त्रुटिया में से निकलने की तृतीया, त्रुटिया में से निकलने की तृतीया। नमो जिनानम, प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्व जीव कल्याण हेतु साल भर विध विध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक सिविल, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभव धारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि अरियन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष भर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथाश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती है उसकी सही जानकारी अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पेप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पेप्स पेरेंट्स, पेप्स सीनियर सिटीजन, पेप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पेप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिनानम, आई थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमो जिनानम।